यही बता रहे थे कि मैंने कोई समझौता, किसी किस्म का कोई समझौता नहीं किया अपने नज़रियात पे, अपने सहाफ़ी होने के सच पे। तो बड़ी बड़ी खुशी है, बड़े लोगों ने बड़ी काविशें हैं। देखें, घर के बाहर कुछ गाड़ियां आई थी और सियालकोट पुलिस जो है वो करके गई है, बाकायदा वो रिसीविंग लेके गई है। तकरीबन 4 बजे के करीब सुबह सहरी के वक्त इमरान आए हैं और आके उन्होंने घर की बेल दे के पुलिस की गाड़ी में उन्होंने इनको रिसीविंग ली है। घर वाले रात जो पहुँचे हुए थे बड़े इमोशनल थे। हालत उनकी ऐसी है कि वाइट दाढ़ी भरी हुई है, कमज़ोरी बहुत ज़्यादा है जिस्म में, तबीयत कोई बहुत ज़्यादा साथ नहीं दे रही। मगर ये है कि उस बंदे के ऊपर मुझे हैरत हुई है देख के कि वो यही बता रहे थे कि मैंने कोई समझौता, किसी किस्म का कोई समझौता नहीं किया अपने नज़रियात पे, अपने सहाफ़ी होने के सच पे। तो बड़ी बड़ी खुशी है, बड़े लोगों ने बड़ी काविशें हैं, पीछे बड़ा सफ़र है। अभी देखना होगा मजीद कि कब तक वो रिकवर होते हैं और फिर उनको सामने हम लेके आते हैं। क्या आप डॉक्टर्स आके उन्हें चेक करेंगे? हाँ जी, हमने उनके जो फैमिली फिजिशियन हैं उनको बुलवाया है, वो आएंगे, वो आके मुकम्मल चेकअप करेंगे कि उनकी क्या हालत है और फिर इजाज़त देंगे कि कैसे उनको मिलवाना है, कैसे मिलेंगे वो। फैमिली ने बहुत ज़्यादा सफ़र किया और जब मुलाकात थी वालदैन से, बीवी बच्चों से, उस वक्त भी क्या मना? 5 महीने में देखें जी, 5 महीने में एक लम्हा ऐसा नहीं था जिसमें नहीं महसूस होता था कि वो नहीं आ रहे। फैमिली बच्चों का तो हालत ये थी कि बस जिंदा लाशें बनी हुई थे। उनके वालिद साहब बहुत ताकतवर आदमी हैं, बड़े असाबी मजबूत हैं, जिन्होंने इस सारी ट्रेन को लीड किया। उन्होंने बहुत ज़्यादा मेरे ख्याल में बहादुरी दिखाई है। जब लम्हा लम्हा YouTube पे ये खबर आ रही हो कि उनकी डेथ हो गई है, उनको कत्ल कर दिया गया है, ऐसे हालात में आप सोच सकते हैं कि क्या फैमिली पे गुजरती है।